हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेआउट के अंदर अरेंज मेन्यू को करने वाले हैं। ठीक है, अरेंज मेन्यू में सबसे पहले हम लोग पोजीशन को सेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पे रेड में लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है न्यू स्टाइल नॉर्मल करते हैं यहाँ से, और नॉर्मल पे आके और मॉडिफिकेशन पे जाके, और यहाँ पे रेड जो है मैं ऑटो पे क्लिक करके और फॉर्मेटिंग पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लैक हो चुका है। तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं स्क्रॉल टू रैंड ओपन देन क्लोज देन एंटर। यहाँ पे देखो कुछ टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो इस टेक्स्ट में हमको करना क्या है कि हमको और टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी फिर नीचे पेस्ट। तो इतने सारे टेक्स्ट को हमने लिख लिया, और लिख लेते हैं ताकि ये पूरा पेज भर जाए। पेस्ट हो गया, ये पूरा पेज भर गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम पोस्टर को, सॉरी पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट टैब में जाते हैं और हम पिक्चर, जैसे हुआ कि ऑनलाइन ही इससे पिक्चर को सेट करते हैं। हम हॉटस्पॉट अपना ऑन कर लिया है, पहले हम ऑफलाइन इंसर्ट करके दिखा रहे हैं। हमने ऑफलाइन यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑफलाइन पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपका पिक्चर है वहाँ से उठा के आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं डाउनलोड के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक पिक्चर है, नहीं डाउनलोड में नहीं, मैं आता हूँ स्टूडेंट वर्क में। ठीक है, और इमेज के अंदर जाता हूँ, ये इमेज को नहीं, मैं दूसरा इमेज को ही, केमिस्ट्री क्लास 11th। ओके, इस इमेज को मैं सेट करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक किया तो पिक्चर तो इंसर्ट हुआ बट टेक्स्ट काफ़ी नीचे चला गया। इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा, पिक्चर को अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब इस पिक्चर को आप पोजिशन दो। ये देखो पिक्चर फॉर्मेटिंग का एक टैब खुल गया। देखो आप जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेटिंग का टैब खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पिक्चर फॉर्मेटिंग का टैब खुल जाएगा। इस पे क्लिक करो और सबसे पहले पोजीशन पे जाके आप पोजीशन सेट करो। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेआउट में जाके पोजीशन पे जाके आप पोजीशन जिधर भी देना चाहते हो। जैसे हुआ कि ये जो होता है डिफॉल्ट होता है इनलाइन के थ्रू, और यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका लेफ्ट साइड, और ये होता है आपका सेंटर साइड, यानी टॉप में सेंटर में, टॉप साइड में सेंटर में, और इसके बाद राइट साइड होता है राइट साइड, और उसके बाद हमारा जाता है ये लेफ्ट में मिडिल में, लेफ्ट लेफ्ट के अंदर मिडिल में। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में मिडिल में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी पे अगर आप क्लिक करते हो, मिडिल और सेंटर में करते हो, तो यानी बीचों बीच आपका पिक्चर आएगा। इसे मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे राइट साइड करना हो, राइट साइड इसे, तो हम लोग राइट साइड राइट मिडिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके राइट मिडिल भी कर लेंगे। ठीक है, ये राइट मिडिल हुआ। हम इसे बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, देखो लास्ट में है बॉटम लेफ्ट, और यहीं से आप बॉटम सेंटर भी कर सकते हो और बॉटम राइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली सेट करना, आपको जहाँ पे भी सेट करना हो वहाँ पे पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है वर्ड रैप टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि आप वर्ड रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे मान के चलो बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो ये जो पिक्चर है आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और बिहाइंड में आपका पिक्चर चला जाएगा। इसका मतलब यही होता है। इनलाइन मतलब क्या होता है, ये इनलाइन के अकॉर्डिंगली होगा, जहाँ पे आपका कर्सर था उसी के अकॉर्डिंगली लेगा। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे होता और पिक्चर इंसर्ट होता तो वहाँ पे ही सेट होता। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्क्वायर के फॉर्म में किया, यानी कि पूरे पिक्चर जो है, जैसे मान के चलो इधर रखेंगे तो पूरे तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जिधर पिक्चर रखोगे उधर का टेक्स्ट हटके इधर एडजस्ट हो जाएगा, उस साइड एडजस्ट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा। जिधर अपना रखना चाहते हो उधर देख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है इस पे। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये भी आपका वैसे ही टेक्स्ट को एडजस्ट करता है, पिक्चर को जहाँ पे रखेगा वहां से टेक्स्ट हटा के और अगले जगह पे एडजस्ट करेगा। ठीक है, और भी सारे चीजें इसमें हैं,
जैसे बिहाइंड करोगे तो ये तो हम बता दें, फ्रंट में मतलब यानी पिक्चर पीछे बैक रहेगा, टेक्स्ट सॉरी पिक्चर फ्रंट पे रहेगा और यहाँ पे टेक्स्ट जो है बैक में चला जाता है। देखो अगर यहीं पे बिहाइंड करेंगे तो पिक्चर पीछे चला जाएगा, टेक्स्ट फ्रंट पे आ जाएगा। अगर इसी को हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो टेक्स्ट जो है बैक में चला जाएगा और पिक्चर जो है फ्रंट पे आ जाएगा। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। इसमें खुद से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यानी कि इसको नीचे करोगे ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये टेक्स्ट एडजस्ट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकते हो आप। देखो तो ऐसे आप टेक्स्ट को एडजस्ट खुद के अकॉर्डिंगली कर सकते हो ठीक है, खुद से भी। जैसे इसको और अंदर की तरफ हम गए, सॉरी सॉरी, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया और इसको एडजस्ट और अंदर की तरफ कर दूंगा, तो इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं बुझाएगा आपको, लेकिन ये एक नॉर्मल होता है पोजीशन, ऐसे आप सेटअप कर सकते हो। अगला देखो फ्रंट, यहाँ पे जो है फ्रंट फॉरवर्ड और ये बैक फॉरवर्ड क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में हम लोग बिहाइंड फ्रंट बिहाइंड बैक और सिलेक्शन पेन ये सभी चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।